हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, ये जो मेरी सैमसंग की वॉशिंग मशीन आप लोग देख रहे हैं, इस मशीन में आज मैंने कॉटन वॉश पे कुछ कॉटन के कपड़े लगाए थे धोने के लिए, और मैंने जो नोटिस किया, ये 38 मिनट पे आकर के रुक जाती थी मशीन, और ये रिवर्स जाती थी 37, 36, 35 और 34 पे। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा और इसमें देखिए आप ये कैसे मशीन रिवर्स जा रही है, रिवर्स मिनट्स में जा रही है। आप लोगों के पास अगर सैमसंग की मशीन है और वो ऐसी प्रॉब्लम कर रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कंपनी ने कोई सॉल्यूशन दिया है तो वो भी प्लीज़ आप लोग मुझे बताइए। मैं तो अभी कंपनी में कॉल करने वाली हूँ, और कंपनी में कॉल करके मैं ये जो प्रॉब्लम मेरी मशीन में मैंने नोटिस करी है ये मैं उन्हें बताऊँगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो जब तक मिल रहा है, अगर उससे पहले मेरे पास सॉल्यूशन आता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि मुझे सॉल्यूशन भी मिल गया है। बट अभी के आज की डेट में मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। मैंने इस मशीन को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद मैंने इसको आधे घंटे बाद खोला, और जैसे कपड़े थे इसमें मैंने इसे हैंड वॉश करके कपड़ों को सुखा लिया है। तो गाइस, आप ये प्रॉब्लम के बारे में मैं सोची आप लोगों को मैं ये ज़रूर बताऊं, आप लोगों के साथ मैं ये प्रॉब्लम शेयर करूं, ताकि अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो मुझे भी मिल जाए, और अगर मुझे उससे पहले मिलता है तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल।